सत श्री अकाल सारे, मेरा नाम गगनदीप द वीज़ा ऑफिक तो एक बार फिर हाजिर हो इस चैनल के थ्रू यूके के लेटैस अपडेट्स में लैके। सो अपडेट्स देने तो पहले मैं चाहवागा जिड़े भी व्यूअर्स इस चैनल से जुड़ चुके हैं या जुड़ रहे हैं इस चैनल में सबसक्राइब करन और वो तो वह शेयर करन अपने फैमिलीज विच, अपने ग्रुप सर्कल्स विच, अपने फ्रेंड सर्कल्स विच, ताकि वो लोग भी यूके के हर लेटैस अपडेट के नाल अप टू डेट रहन। सो अज की जी आप गल कर जा रहे हैं लेटैस अपडेट्स की, वो सब तो पहले तो सारे पता है कि जी उन्हों की प्राइम मिनिस्टर से जी न्यू प्राइम मिनिस्टर से लिज़ ट्रस, उन्होंने रिजाइन देता अपना 44 डेज़ का कार्यकाल तो बाद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी आ रही थी कि यूके जड़ा है रिसेशन वाल चला गया है, बहुत ज़्यादा उत्थे प्रॉब्लम्स आ रही ने, काफ़ी फाइनेंस सैक्टर के उत्ते भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। इदा ही उन्होंने नाल जड़े से सुलेवा ब्रेवमैन, सो उन्होंने भी अपना रिजाइन देता जो कि होम सैकटरी से यानी होम ऑफिसर के विच से, सो उन्होंने भी रिजाइन देता। उन्होंने अपने पिछले काफ़ी स्टेटमेंट्स इदा दीतियां सी जिहड़ा कि यूके कितने ना कितने नैगेटिविटी वाल लैकर जा रहे कि स्टूडेंट वीज़ा या अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वीज़ास दे विच उन्होंने कटौती करने की सोची थी कि आप इनू डिक्रीज करांगे कि जिहड़ा इन्नी वीज़ा एप्लीकेशन जिहड़ी 6 लाख अगर वीज़ा ग्रांट हो रहे हैं तो आप उन्हें लख ते लैकर आवांगे। सो इदा दे जिहड़े भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दिते सी उस सारे के सारे स्टेटमेंट नू स्क्रैप कर दिता गया है, क्योंकि जिहड़े हुण उत्थों दे न्यू फाइनैंस मिनिस्टर भी आए ने पिछे, उन्होंने जिहड़ा फाइनैंस मिनिस्टर से उन्होंने भी सैक किया गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जी उन्होंने पॉलिसीज़ बनिया सी उन्हों भी उन्होंने देखा तो आफ्टरवर्ड्स उन्होंने सैक कर दिता गया, तो उन्होंने जगह हूँ दूसरे फाइनैंस मिनिस्टर आ गए। सो जिहड़े रूल्स उन्होंने अपने बनाए से या जिहड़ी पॉलिसीज़ उन्होंने इंप्लीमेंट की सी वो सारी की सारी स्क्रैप करती। जिहड़ी वीज़ा तो रिलेटिड या इमीग्रेसन तो रिलेटिड चेंजेस हुए ने, सब तो वड्डा चेंज उन्होंने वो यह चीज़ कही है कि जो भी इतों विजिटर वीज़ा तो उत्थे जा रहा लेट से और उत्थे जाके कोई मिडवाइफरी का कोई प्रोग्राम करना चाहता है, सो वो उत्थे रह के 6 मंथ्स का वो जो प्रोग्राम है वो कर सकता है विदाउट कोई इदा की पेड ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए या इंटर्नशिप नहीं होनी चाहिए। सो बिना उदे वाले उस प्रोग्राम में रह के बच्चा मिडवाइफरी का प्रोग्राम उत्थे स्टार्ट कर सकता है। सो इदा जिहड़ा भी अपनी सोच रहे ने विजिटर वीज़ा तो है ने और उन्होंने वास्ते बहुत वधिया चीज़ लैकर आया है यूके कि जिदे रह के वो मिडवाइफरी प्रोग्राम उत्थे स्टार्ट कर सकते हैं फॉर 6 मंथ। इदा ही यूथ मोबिलिटी भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं, 18 अक्टूबर की उन्होंने जी अपनी पॉलिसीज़ अमेंड करके चेंजेस करके उन्होंने फर्निश किया है। सो यूथ मोबिलिटी के उत्ते भी काफ़ी गल की गई है और जो शॉर्ट टर्म वीज़ा से उदे उत्ते भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने गल्लां कीतियां, यानी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेकर वो आ रहे हैं। सो कितने ना कितने जिहड़ा यूके फिर तो एक जिहड़े उन्होंने स्टेटमेंट्स आन दे करके काफ़ी ज़्यादा नैगेटिविटी वाल चला गया से, हुण दोबारा तो वो उस चीज़ नू पॉजिटिव लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उत्थे हुण जिहड़ा PM दौड़ जिहड़ी लगी हुई है वो बोरिस जॉनसन और रिशी सोनिक नू लेकर लगी हुई है। सो अगर बोरिस जॉनसन भी आते हैं तो तुहानू सारे नू पता कि पिछे उन्होंने जिहड़ा वर्किंग सी एक्सपीरियंस की रहा है यूके दे नाल, या रिशि सोनिक आते तो उन्होंने भी अपने काफ़ी ज़्यादा प्लैन आउट किए हुए ने और उहदे विच उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंडियन भी बढ़ोतरी देने की गल की है कि और इस चीज़ को कितने ना कितने इंडिया नू फायदा जरूर मिलेगा आने वाले दिनों दे विच। ऐता ही जेड़ा भी बच्चा इस वेले यूके जाकर पढ़ना चाहता है, हाली तो देखो रूल्स विच कोई चेंजेस नहीं आए ने, तो एक बेस्ट टाइम है जिदे विच रह के वो अपना एडमिशन लै सकता है यूके का। जनवरी इनटेक तो हाले भी कई यूनिवर्सिटीज़ ओपन हैगी हैं जिदे विच रह के असी तुहानू जनवरी का इनटेक सिक्योर करा सकते हैं। सो जिन्ना जल्दी तो जल्दी तुसी अपनी एप्लीकेशन कर लोगे असी उन्नी जल्दी तो जल्दी तुहानू जनवरी की सीट सिक्योर कराने वाले बन सकते हैं। बट आप एश्योर नहीं कर सकते कि हर यूनिवर्सिटी के नाल, बट यस देयर आर स्टिल फ्यू यूनिवर्सिटीज़ आर लैफ्ट जिदे विच रह के असी तुहाडा जनवरी इनटेक सिक्योर करा सकते हैं। सो अगर तुसी यह टाइम बचाना चाहते हो और पैसों नू बचाना चाहते हो तो बिना डिले किते साढ़े दिते नंबर पर कॉल करो कि जिहड़ा कि 90410 90410 है, या मेरी किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में भी तुसी विजिट कर सकते हो जिहड़ा कि अमृतसर जलंधर और लुधियाना दे विच है। ये वीज़ा ऑफिक तो अगर तुसी अपनी प्रोफाइल नू एसेस कराते हो, अपनी प्रोफाइल नू सबमिट कराते हो यानी प्रोसैस कराते हो, और ये वीज़ा एक होर सर्विस देता कि यानी कि तुसी अपना पूरा यूके का केस एक पैकेज के तौर पर चला सकते हो, यानी कि सारा का सारा पेमेंट तुसी जो भी दोगे वो वीज़ा लगन तो बाद दोगे। सो आज वास्ते इन्ना ही, बने रहो इस चैनल पर, फिर हाजिर होवांगे यूके के लेटेस्ट अपडेट्स नू लैके। टिल द टाइम थैंक यू सो मच।